ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം, റസ്ലിംഗ് ന്യൂസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലെ ഗ്രേറ്റ് കാലി സാറിന്റെ CWE എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 അക്കാഡമിയിലാണ്. അപ്പോൾ റസ്ലിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു റസ്ലിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് നമ്പർ 1 അക്കാഡമിയാണ് CWE. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ WWE ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള WWE സൂപ്പർ സ്റ്റാർ WWE ലെജൻഡ് ഗ്രേറ്റ് കാലി സാറാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ, വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് ഇതുപോലൊരു അവസരം ഗ്രേറ്റ് കാലി സാറിനോടൊപ്പം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു WWE സൂപ്പർ താരത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ചാനലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു WWE സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ നേരിൽ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് കാലി സാറിനോട് നമുക്ക് CWE അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റസ്ലിംഗ് കാ ഫ്യൂച്ചറിന് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രസ്സിംഗ്? ഇന്ത്യ മേ ഫ്യൂച്ചർ ബഹുത് ബഡ ഫ്യൂച്ചർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ സിർഫ് ഇസ്കോ അഗർ സഹി ഢംഗ് സേ ഹമാരേ പാസ് പ്രൊമോട്ടർ നഹീ ആ ഗയ. അഗർ ഹമാരേ പാസ് സഹി ഢംഗ് സേ പ്രൊമോട്ടർ ഹോയേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ സോ മേ സമജ്താ ഹൂം കി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ ബഹുത് ബഡി മാർക്കറ്റ് ഹൈ. ഓർ അഗർ സബ്സേ സ്യാദാ ബിസിനസ് കർത്തേ ഹൈ WWE വാലേ പൂരേ വേൾഡ് മേ തോ ജോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മേ ഉസ്സേ സബ്സേ സ്യാദാ കർത്തേ ഹൈ. ജിത്നാ ജിത്നാ ഓവർ കൺട്രി മേ കർത്തേ ഉസ്സേ ശ്രീ സ്യാദാ उससे कई गुना ज्यादा हिंदुस्तान पे वो बिजनेस करते हैं. हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है. हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है. जितना पूरा यूरोप की पॉपुलेशन है, जितना यूरोप पे पूरा बिजनेस करते हैं, उससे ज्यादा बिजनेस हिंदुस्तान में करते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ ये कि यहाँ पर ये नई चीज है, प्रो रेसलिंग हिंदुस्तान पे नई चीज है. तो इसको कई एंगल से देखते हैं लोग. तो जब तक इसको यहाँ पर पूरी तरह समझ नहीं आया तब तक तो थोड़ा टफ है यहाँ पर, लेकिन हो जाएगा. क्योंकि अगर हम सीधा कंपेरिज हम करते WWE से, CWE को हम CWE को और WWE को हम मुकाबला करते हैं, लेकिन क्योंकि जो WWE है अभी सिर्फ 3.5 साल हुई है और जो WWE है उसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हुई होगी घटो घट, और जो CWE है उनको सिर्फ 3.5 साल हुई है. तो बहुत ग्रो हो रही है और आने वाले टाइम में और ग्रो करेंगी CWE. अमेरिका जैसे हमारे इधर भी प्रोफेशनल रेसलिंग बहुत बड़ा काम हो जाएगा बाद में फ्यूचर में. बिल्कुल बिल्कुल. देखो आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल पहले यहाँ पर कोई जानता था, मतलब देखते थे बोलते थे हाँ भी ठीक है. कभी वहाँ सोचते भी नहीं थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारे हिंदुस्तान के लोग भी वहाँ पर रेसलिंग कर सकते हैं. तो जब हमने स्टार्ट करी थी 2005 से लेकर 2014 तक, तो एकदम बूम आ गया हिंदुस्तान की मार्केटिंग में रेसलिंग में, और सब लोग ये लगने लगा कि हम भी कर सकते हैं. तो ग्रेट खाली रेसलिंग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. उनको ये फील हुआ कि भी ये भी ग्रेट खाली भी एक हिंदुस्तान से बिलोंग करता है, और उससे पहले तो कुछ सोचता नहीं था कोई. तो आने वाले टाइम में बहुत एक बड़ा फ्यूचर है रेसलिंग का, और आने वाले टाइम पे जो CWE है आप बहुत हाई लेवल पे देखेंगे,
क्योंकि हम अब पंजाब हरियाणा से दूसरे स्टेट पे भी हम अब कंपटीशन कराएंगे। तो सीडब्ल्यू में आने वाले जो एक स्टूडेंट को डब्ल्यूडब्ल्यू में कैसा फ्यूचर मिलेगा, डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई चांसेस है और या इधर भी फ्यूचर है? आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, मतलब एक चीज यहाँ पर फ्यूचर है सी डब्ल्यू में, क्योंकि हम यहाँ पर अपने कंपटीशन कराते हैं बहुत बड़े बड़े, और जो डब्ल्यू डब्ल्यू वाले हैं वो देखते हैं कि जो अच्छे लड़के होते हैं यहाँ पर वो यहाँ से वो हायर करते हैं और डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि भी अगर ये सी डब्ल्यू दिन पर दिन बढ़ रही है कहीं मतलब हमारा कंप्यूटर भी बन जाएगी, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हमारे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है और वो हायर करते हो। आपने जैसे देखे उन्हें अभी कविता देवी है और बहुत सारे बच्चे और शंकी सिंह सुखी और एक दो लड़के और है उनको डब्ल्यू डब्ल्यू ई वाले ने हायर करे उनको, और क्योंकि उनको लगता कि हाँ ये अच्छे लड़के हैं इनको हायर करो, तो ऐसा मौका मिलेगा। हाँ, क्योंकि मतलब हमारा तो नुकसान होता है सी डब्ल्यू ई का, पर लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर किसी का भविष्य बन जाए तो अच्छा है ना, सो कितने हायर करेंगे वो हायर करेंगे हम बहुत तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे ये तो एक रेसलिंग की फैक्ट्री है, बनाता है रेसलर को बनाता है, हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात हम एक पूरे एक डेडिकेटेड है रेसलिंग के प्रति और रेसलर को तैयार करते हैं और अच्छे अच्छे रेसलर को हम डब्ल्यू डब्ल्यू पे भेजते हैं और यहाँ पर उनको यहाँ पर उनके लिए शो ऑर्गेनाइजर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे रेसलर हैं जो मूविया करते हैं और टीवी शो करते हैं, तो अच्छा लगता है कि भी हमारे हिंदुस्तान के और सी डब्ल्यू के मेरे स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं। और एक डाउट है, ये कोर्स का कोई ड्यूरेशन है कितना, एक वन ईयर एक रेसलर बनने का ये सीखने के लिए कुछ ड्यूरेशन टाइम वन ईयर हो गया? ये चीज आप पर डिपेंड करता है, जो स्टूडेंट है कोई उस पर डिपेंड करता है, ये नहीं बोल सकते आप लोग कि बस एक साल हो गया अब तो रेसलर बन गए, ऐसा नहीं है, मतलब इसके लिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी आप नॉलेज लेंगे उतनी आपके काम आएंगे। रेसलिंग लुक लाइक ओशन, एक समुंदर है, कोई ये नहीं बोल सकता कि अब आप तो खत्म हो गए सीख के, है ना, ये दिन पर दिन नई टेक्निक नई मतलब एक डिमांड आती रहती है, तो उसको हिसाब से रेसलिंग को करना पड़ता है, उसके हिसाब से रेसलिंग करना पड़ता है। अगर आप कोई बोलेगा कि बस एक साल पे होएगा रेडी या दो साल पे रेडी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, होने के लिए छह महीने पे रेडी हो जाए, डिपेंड करता है उस पे मतलब कि कितनी उसको समझ है, कितनी उसकी बॉडी है, कितनी उस पे कितनी उस पे एक करंट है, उचित टाइप वो करता है डिपेंड करता है। हमने जब रेसलिंग सीखी थी तो छह महीने पे मैंने बहुत अच्छी सीख ली थी, हाँ छह महीने पे बहुत बढ़िया सीख ली थी, तो और एक साल के अंदर मेरे को एक बेस्ट स्टूडेंट का बेस्ट रेसलर का अवार्ड दिया था मेरी जो एकेडमी में, फिर हम वहाँ से जापान गए, हाँ पहला बंदा जो एक साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिला था, हाँ अदरवाइज तो बहुत सारा टाइम लगता है लोगों को,
पर लेकिन मैं लकी था और एक जो मेरी फिजी मेरा एक जो एक रेसलिंग के प्रति डेडिकेशन थी मेरी, तो मेरे को जल्दी काम मिला और मैं उसके बाद आ गया, निकल गया।